लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वैसे ही लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज है, 90% कंपनीज के इस पर प्रोफाइल होते हैं और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनकी प्रोफाइल भी लिंक्डइन पर होते हैं, जिसके जरिए वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसी भी कंपनी में जब कोई वैकेंसी निकलती है, जॉब के लिए जगह खाली होती है, तो उसको वो लिंक्डइन पर पोस्ट कर देते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती है, उनका प्रोफाइल भी लिंक्डइन पर होता है और वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर कंपनी खुद से जॉब के लिए इन्विटेशन भी भेज देती है। लिंक्डइन का प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होता है, इसको आप जॉब अप्लाई करते समय अपने रिज्यूमे की जगह भी लगा सकते हैं। आज के टाइम में चाहे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हो या ना करते हो, लेकिन लिंक्डइन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन से आपका प्रोफेशनल स्टेटस पता चलता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिंक्डइन पर अकाउंट बनाकर उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको लिंक्डइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस शो होगा, यहाँ आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड चूज करके एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यस करेंगे और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना जॉब टाइटल डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर हम कंपनी नेम डाल देंगे, इसमें हम डाल देते हैं ICA। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप यहाँ अपना जॉब टाइटल और अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, लेकिन अगर आप कहीं जॉब नहीं करते तब आप जहाँ पहले काम करते थे वो जॉब टाइटल और कंपनी का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कंट्री आ गई है इंडिया और स्टेट यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं दिल्ली। आप यहां अपनी स्टेट चूज करेंगे और यहां पर आप अपनी सिटी चूज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर आप एक फोटो ऐड कर दीजिए, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। यहां पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या तो आप अभी करंट में अपना एक फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपनी गैलरी से चूज कर सकते हैं। हम यहां गैलरी पर क्लिक करेंगे। गैलरी में जहां पर भी आपका फोटो रखा हुआ है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहां इसको एडजस्ट करेंगे। आप यहां इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, कोई फिल्टर भी डाल सकते हैं और इसके बाद आप यहां सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल फोटो यहां सेव हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा, जिसके लिए आप यहां गो टू ईमेल पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने जीमेल में पहुंच जाएंगे। यहां पर देखिए लिंक्डइन की तरफ से एक ईमेल आया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर एक लिंक दिया गया है, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर हम लिंक्डइन चूज करके ओके करेंगे। लिंक्डइन यहां पर परमिशन मांगेगा आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने की, जिससे ये पता लगाएगा कि आपके कौन कौन से कॉन्टेक्ट लिंक्डइन यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको परमिशन दे सकते हैं, जिसके लिए आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप परमिशन नहीं देना चाहते तो आप इसकी भी कर सकते हैं। चलिए हम परमिशन दे देते हैं, कंटिन्यू करेंगे, यहां अलाउ कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसे प्रोफाइल्स आएंगे जिनके बारे में लिंक्डइन को लगता है कि आप इनके बारे में जानते हैं, तो चलिए हम इनको इनवाइट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहां आपके सामने कुछ ऐसे प्रोफाइल्स आएंगे कि 70% जॉब्स लिंक्डइन पर इन्हीं प्रोफाइल से आती है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि मैंने अपना जॉब टाइटल डाला है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहां पर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएंगे। अगर हम चाहे तो इनको भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिनिश करेंगे और फाइनली हमारा लिंक्डइन अकाउंट बन चुका है। अब हम यहां प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, व्यू प्रोफाइल में जाएंगे और यहां से हम अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो यहां प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। ये है इंट्रो, इसके बाद अबाउट है। अबाउट में यहां पर अपनी कोई समरी डाल सकते हैं अपने बारे में। यहाँ पर बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करके आप अपना बैकग्राउंड यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, लाइसेंस सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी एजुकेशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप स्कूल डालेंगे, डिग्री डालेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर आप डालेंगे,
स्टार्ट और एंड डेट डालेंगे। इसके बाद आपकी क्या ग्रेड है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसके बाद आप ऊपर सेव कर देंगे तो आपकी एजुकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नीचे आएंगे, स्किल्स हैं, यहाँ पर आप अपनी स्किल्स डाल सकते हैं। प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी स्किल्स डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी एक स्किल डाल देते हैं वेब डिजाइन। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, आपकी स्किल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। प्रोफाइल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी कोई वेबसाइट डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ कोई इंस्टेंट मैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी बर्थडे भी डाल सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिर्फ आपको शो होगी और अगर आप चाहें तो उसको पब्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका लिंक्डइन एड्रेस है। जैसे कि कई जगह पर आपसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एड्रेस मांगा जाता है तो आप यहाँ से कॉपी करके उनको सेंड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये होम बटन है, इस पर क्लिक करके आप सीधे होम पर आ जाएंगे। यहाँ पीपल आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपको इनविटेशन सेंड किया है और यहीं से आप उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ प्लस साइन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लिंक्डइन पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं, कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी फोटो या वीडियो क्लिक कर सकते हैं। यहीं से आप कोई फोटो या वीडियो डायरेक्ट अपनी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फोटो चूज कर लेते हैं। फोटो चूज करते ही आपके पास काफी सारे स्टिकर्स आ जाते हैं। अगर आप कोई स्टिकर डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ टाइप कर सकते हैं। इसमें आप हैशटैग भी लगा सकते हैं, जैसे कि ट्विटर में लगाए जाते हैं। यहाँ पर हैशटैग आ गया, अब इसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ऊपर यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी पोस्ट को पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आप सिर्फ अपने कनेक्शन के साथ या फिर पब्लिक के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट यहाँ पब्लिश हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। अब यहीं से पब्लिक इसको लाइक कर सकती है, कमेंट कर सकती है और इसको शेयर भी कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं और पब्लिक ने यहाँ पर जो पोस्ट डाली हुई है वो आप यहीं होम पेज पर देख सकते हैं। जिसने वो पोस्ट डाली है आप उसका प्रोफाइल भी देख सकते हैं। जैसे कि हमें इनका प्रोफाइल देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इनका प्रोफाइल है, आप यहीं से इनको फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक पोस्ट डाली है तो इस पर क्लिक करके हम इनका प्रोफाइल भी यहाँ पर देख सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट इनके साथ हम चैटिंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप यहाँ पर जॉब्स, कंपनीज और पीपल्स को फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए सबसे ऊपर आपको सर्च का एक ऑप्शन दिया गया है, यहीं से आप कंटेंट, पीपल्स और जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम जॉब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ काफी सारी जॉब्स आ जाएंगी। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं बस आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ सेव और अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। सेव पर क्लिक करेंगे तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं और बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएगी कि वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए और सैलरी क्या रहेगी और साथ ही इन्होंने एक्सपीरियंस कितना मांगा है और यहाँ पर लोकेशन और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई भी आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इजी अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा, नीचे आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे जिसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो रिज्यूमे की जगह अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को PDF वर्जन में भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं एज ए रेज्यूमे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन सबके आंसर देंगे और आप रिव्यू करेंगे और इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जॉब को चाहे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ कोई पर्टिकुलर जॉब भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम डाल देते हैं डेटा एंट्री, यहाँ हम डेटा एंट्री जॉब को फाइंड करते हैं तो जितनी भी डेटा एंट्री की जॉब्स हैं वो सब हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट के लिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये दिल्ली में है तो यहाँ हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक रिज्यूमे अपलोड करना होगा जिसका साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करके अपने रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आप इस जॉब को अप्लाई कर चुके हैं।
आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ आता है, आप नोटिफिकेशन पैनल पर क्लिक करके यहाँ जा करके आप अपनी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है जॉब आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए, हमने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, डेटा एंट्री। लिंक्डइन पर आपके प्रोफाइल का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आप एज ए रिज्यूमे भी कहीं लगा सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी करंट पोजीशन ऐड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन, अपनी कम से कम 5 स्किल्स और अपनी समरी यहाँ पर ऐड करेंगे। फोटो लोकेशन इंडस्ट्री हमने ऐड की हुई है। इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर क्लिक करेंगे। आपका प्रोफाइल यहाँ इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा। इसके बाद आप स्टार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी करंट पोजीशन ऐड करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होता है, कंपनी होती है, वो आपके प्रोफाइल को सबसे पहले चेक करती है। तो आपके प्रोफाइल से ही उन्हें काफी कुछ पता चल जाता है और उसी के आधार पर वो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से एक लिंक्डइन अकाउंट बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो कंपनी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करती है और आपके प्रोफाइल को देख करके ही वो काफी कुछ डिसाइड कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए लिंक्डइन पर आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए और आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने प्रोफाइल में बिल्कुल वैसे ही डिटेल्स को ऐड करिए जैसे कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।